हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी देखा था, मॉड फंक्शन देखा था कि मॉड फंक्शन कब किस रेंज में कॉन्टिन्यूस होगा, किस रेंज में डिफ्रेंशिएबल होगा, किस रेंज में डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, किस पॉइंट पे डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा। उससे आगे एक टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें हम लोग तीन थ्योरम पढ़ते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग बोलते हैं रोल्स थ्योरम, दूसरा हो गया मीन वैल्यू थ्योरम और तीसरा हो गया कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे इस वीडियो में, और बहुत सारे एग्जांपल हैं और ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रोल्स थ्योरम को क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। रोल्स थ्योरम को क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम। अगर रोल्स थ्योरम नहीं भी बोल दिए, फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम से निकालना है, तो फिर आपको ये याद सेकंड टाइम याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या बोला है कि मान लो कर्व है एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है मेरा एफ ऑफ एक्स जो कि ए और बी तक है, और ए पे इसका वैल्यू क्या है एफ ऑफ है, और बी पे क्या है इसका वैल्यू एफ ऑफ बी है। ए पे इसका एफ ऑफ है और बी पे क्या है इसका एफ ऑफ बी। और ये रोल्स थ्योरम कहने का मतलब है सिंपली कि देखो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे उसका टेंजेंट ड्रॉ होगा, मतलब एफ डैश ऑफ सी उस पॉइंट पे जीरो होगा, उसी पे तो टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो उसके लिए रोल्स थ्योरम तीन कंडीशन देता है। सबसे पहला कंडीशन देता है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ए बी में एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। दूसरा, एफ ऑफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी, ए और बी के बीच में एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएबल होना पड़ेगा। और तीसरा, f of a इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों का वैल्यू सेम होना पड़ेगा। देखो f of a f of b दोनों को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। अगर दोनों सेम हो रहा है तब उन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, टेंजेंट मतलब कि f डैश ऑफ c जीरो का, और जो वो टेंजेंट होगा ना वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। सिंपली इसका यही मतलब है, सच दैट एटलीस्ट वन पॉइंट c, मतलब एटलीस्ट यहाँ पे दिया है कम से कम एक, मतलब कि देखो यहाँ पे ये एक कर्व है जिसके एक ही होगा, लेकिन इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में क्या है, ये है और ये एक ए और बी एक लाइन पे लाइक किए, एक लाइन पे लाइक करेगा, ठीक है। अब देखो ये एक कर्व हुआ ना, अब ये एक कर्व हुआ तो यहाँ पे भी जीरो हो सकता है, यहाँ पे भी जीरो हो सकता है, यहाँ पे, लेकिन इस कर्व में केवल एफ डैश ऑफ सी एक ही बार जीरो होगा, इसीलिए एटलीस्ट एक बोला है और इसमें बहुत सारे होगा, ठीक है। तो ये जो है इस फिगर के लिए कहा गया एटलीस्ट। अब स्टेटमेंट देखते हैं, इफ अबव थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वेयर द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो मैंने बता दिया। अब दूसरा है, हम लोग पहले तीनों थ्योरम्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग वन बाई वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत इसमें सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया 10-12 दिन से। और दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा मीन वैल्यू थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। देखो इसमें जो हम लोग का वैल्यू था ए और बी था ना, इसमें क्या है दो कर्व है, सॉरी कर्व तो एक ही है, मतलब कि फंक्शन वैल्यू दो है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है, इसमें दो फंक्शन वैल्यू हम लोग हैं। देखो अगर कोई पॉइंट ए है और बी है, ए पे उसका फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ ए है और बी पे उसका फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ बी है, और ए और बी एक लाइन में नहीं लाइक कर रहा है, ए और बी एक लाइन में नहीं लाइक कर रहा है, तो अगर ए बी को हम कनेक्ट करते हैं तो एक कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, ए बी को कनेक्ट करते हैं तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, कह रहा है कि अगर ए और बी एक मिनट इसके स्टेटमेंट थोड़ा देख लेते पहले। देखो अगर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, अगर क्लोज इंटरवल में एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है ए बी और डिफ्रेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में एफ ऑफ एक्स, तब कम से कम एक ऐसा पॉइंट है एफ डैश ऑफ सी जो कि एफ डैश ऑफ सी जो कि टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे सी पे, एफ डैश ऑफ सी टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे जो कि पैरेलल होगा अपने कॉर्ड से, मतलब कॉर्ड क्या है यहाँ पे, कॉर्ड आपका ए और बी को जो कनेक्टिंग पॉइंट है ना वो क्या है कॉर्ड है, तो कॉर्ड को कनेक्ट करेगा उससे उसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ होगा जो कि एफ डैश ऑफ सी देगा, और एफ डैश ऑफ सी निकलेगा से एफ डैश ऑफ सी निकलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, ये जो फंक्शन होगा ना यही मेरा एफ डैश ऑफ सी है। और ये f डैश ऑफ c क्या डिनोट करता है, ये f डैश ऑफ f डैश मतलब कि जब भी डिफरेंशिएशन डिनोट करता है
क्या डिनोट करता है, रेट को डिनोट करता है। तो रेट को मतलब कि इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, रेट चेंज रेट को डिनोट कर रहा है। और ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी इन शॉर्टन रेंज ऑफ द वैल्यू। सिंपली इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करना वो किसके पैरेलल होगा, कॉर्ड के। और कॉर्ड किसके किसके बीच में, ए और बी कनेक्टिंग पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रॉ होगा उसको कॉर्ड बोलेंगे। अब देखो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ द एबव टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, मतलब कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वेयर द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड, कॉर्ड के दैट इज इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ सम इन सम पार्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंटरवल ए बी। क्या है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरवल ए बी, जो मैंने पिछले मतलब कि पिछले स्लाइड में मैंने बोला था। अब देखो, अब एक ये पहला क्या हो गया, रोज थ्योरम हो गया, दूसरा क्या है कॉची कौन सा मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, तीसरा क्या हुआ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, इसको बोलते हैं सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम, दूसरा नाम इसका। देखो इसमें क्या है ना, इसमें जो जो पहले वाले में लंगराजे मतलब कि मीन वैल्यू थ्योरम में क्या था, उसमें अब ए और एफ ऑफ एक ही फंक्शन था ना, अब इसमें क्या है दो फंक्शन है, एफ है एफ ऑफ एक्स और एक है क्या जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तीनों दो तीनों कंडीशन देखते हैं, पहला एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना पड़ेगा ए और बी के बीच में। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ए और बी के। और एफ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जी डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जी डैश ऑफ एक्स जीरो हो गया तो वो टर्म क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा, इसीलिए इस वैल्यू को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। तो क्या बोल रहा है, तो एफ डैश तो क्या होगा, तो एफ डैश ऑफ सी बाई जी डैश ऑफ सी का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी बाई जी ऑफ ए बाई बी माइनस ए। ये बस फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा और इसमें कुछ नहीं है, पहला जो रोल्स थ्योरम था और दूसरा क्या था, दूसरा मीन वैल्यू थ्योरम, पहला फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम, दूसरा मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों आपको अच्छे से याद कर, तीसरा तो ऐसे ही हो जाएगा, तीसरा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी यूजिंग रोल्स थ्योरम, ठीक है, मतलब कि सी का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो करना होगा सिंपली। देखो और क्या है, चलो एफ डैश ऑफ एक्स निकालें, ये हुआ एफ डैश ऑफ एक्स टू ई टू द पावर एफ, एफ डैश ऑफ सी क्या होगा जीरो होगा, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू पाई, सिंपल। क्या ये दोनों के बीच पाई लाई कर रहा है, सिंपली हाँ लाई कर रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, फॉर द रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल इन माइनस वन कॉमा फाइव, माइनस वन कॉमा फाइव वन सॉरी माइनस वन कॉमा वन है एट सी इज इक्वल टू वन बाई टू, देन द वैल्यू ऑफ ए और बी, वैल्यू ऑफ ए और बी क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, और एफ ये क्या दिया है, एफ वन बाई टू पे सी इज इक्वल टू वन बाई टू दिया हुआ है, तो एफ डैश ऑफ वन बाई टू वैल्यू रखे उसको क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो देखो एफ डैश ऑफ एक्स निकाले, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स निकाले, क्या आ गया एफ डैश ऑफ एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस बी आ गया, ये है ना मेरा, और इसको क्या करेंगे एफ ऑफ वन बाई टू यहाँ पे किए एफ ऑफ वन बाई टू रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, इक्वेट करेंगे जीरो से तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, ए और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा वन बाई टू या टू, ऑप्शन देख के कर लेंगे। अब देखो ये एक मेरा क्वेश्चन है, ये तो ये इजी है, ये आप लोग खुद कीजिए। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन वैल्यू थ्योरम बोला गया, हाँ मीन वैल्यू, चलो मीन वैल्यू थ्योरम का मैं बता देता हूँ क्वेश्चन। देखो एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ इन वन माइनस वन कॉमा वन, ठीक है, और क्या बोल रहा है फॉर विच द मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाई, किस वैल्यू पे मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ सी था ना, एफ डैश ऑफ सी तो सी का वैल्यू निकालना है, तो क्या था हमारा एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, ये था ना। चलो एफ डैश ऑफ सी एफ बी कौन सा है, बी मेरा वन है और सॉरी ये वाला, हाँ बी मेरा क्या है वन है और ए मेरा क्या है माइनस वन है, तो एफ ऑफ बी एफ ऑफ वन एफ माइनस एफ ऑफ माइनस वन हो गया वन माइनस माइनस वन, तो ये मेरा एफ डैश ऑफ सी मतलब कि वन, इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या होगा माइनस टू सी प्लस सी स्क्वायर, इसको इक्वेट करेंगे आ जाएगा मेरा सी इज इक्वल टू वन बाई माइनस वन बाई थ्री और वन। अब देखो इसके बीच में कौन सा वैल्यू होगा,
वन लाइक करेगा, वन तो यहाँ पे आ गया तो वन तो वैल्यू होगा नहीं, सॉरी ये वन तो वैल्यू होगा नहीं, तो सिंपली क्या हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री। ये थोड़ा सा नोट करने वाली बात है क्योंकि सब चीज़ हम लोग मतलब कि एग्जाम में बैठ कर सॉल्व नहीं कर सकते। देखो ये एक क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मीन वैल्यू थ्योरम होता है ना, सी सी जो होता है ना ए प्लस बी बाई टू के बीच में होता है, ठीक है। तो ये मैंने नोट करवा दिया, आंसर ये है, आप लोग को ये सॉल्व करना होगा खुद, मैंने सॉल्व किया है आप लोग को देख के सॉल्व करना होगा। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन देखेंगे गेट का लेवल का। देखो एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है, ध्यान देना है सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 बाई x² + 3x + 4, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या दिया है वन दिया है, देन द लोअर एंड अपर बाउंड्स ऑफ एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये हुआ लोअर लिमिट और ये हुआ अपर लिमिट, ठीक है। तो हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसका एफ ऑफ वन का फाइंड करना है, सिंपली हमको ये ध्यान देना है। एस्टिमेट द मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है चलो इज एस्टिमेटेड बाय द मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके। चलो देखो सबसे पहले एफ डैश ऑफ सी क्या बोलता है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो बाई वन माइनस जीरो। हमको क्या इसका लोअर अपर लिमिट फाइंड करना है, ठीक है। और एफ डैश ऑफ सी मेरा, अगर एफ डैश एक्स के बदले सी रिप्लेस करेंगे तो मेरा ये पॉलिनोमियल, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। जब ये मेरा इक्वेशन बन गया और एफ ऑफ जीरो के बदले वन रख देंगे तो मेरा ये एक इक्वेशन बनेगा। अब इसमें हमको एफ ऑफ वन को, एफ ऑफ वन का अपर और लोअर लिमिट फाइंड करना है। तो देखो जीरो और वन, एक मिनट यहाँ पे देखिए पीछे देखो ये क्या था, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, तो ये क्या है एक्स है ना और ये क्या है वाई। मान लो कि मतलब कि जीरो और वन के बीच हम लोग को क्या करना है अपर और लोअर बाउंड लिमिट फाइंड करना है। तो इसीलिए ये कहा गया सी लाइज बिटवीन, सी का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ लाइज होगा, जीरो और वन के बीच में लाइज होगा, ठीक है। अब देखो सी जीरो और वन के बीच में लाइज होगा, अब देखो हमको इस इक्वेशन को पहले डिराइव करना होगा। तो सबसे पहले हमको अपर लिम अप मतलब अपर पावर, उसके बाद लोअर पावर, उसके बाद कॉन्स्टेंट। तो देखो सबसे पहले क्या किए, सी वन के जीरो और वन के बीच में होगा तो दोनों सी से मल्टीप्लाई कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बीच में सब जगह स्क्वायर कर दिए। जब स्क्वायर कर दिए तो जीरो स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर लेस देन वन। अब देखो सी स्क्वायर तो हो गया, हमको थ्री सी चाहिए तो क्या करेंगे, अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे थ्री सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें थ्री सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जीरो थ्री सी, अब इसको और इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। जब हम लोग ऐड किए तो हम लोग का क्या हो गया 4 + 4 < 3x² + 3c + 4, 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको डिनोमिनेटर करेंगे, देखो एक चीज बता, इन इक्वालिटी का साइन दो बार हमेशा चेंज होगा, जब हम लोग माइनस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और जब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करते हैं, मतलब कि डिवीजन करते हैं। कब कब करेंगे, सबसे पहले जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी का साइन टोटली चेंज हो जाता है, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो हम लोग का साइन, तो यहाँ पे क्या करें वन बाई सब जगह डिवाइड करें, तो ये जो होगा ना ये लेस देन जो है ना ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, तो चेंज होकर मेरा ये बना दिया। अब देखो मेरा ये एक्सप्रेशन हो गया, अब मेरा ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, 8 बाई 3x² + 3c + 4। अब लोअर बाउंड ये हुआ अपर बाउंड ये हुआ तो 2 और 1 है। अब देखो इसी का ना वैल्यू मेरा ये है एफ ऑफ वन माइनस वन बाई वन, तो एफ ऑफ वन माइनस वन करते हैं। अब क्या करेंगे माइनस वन दोनों साइड से मल्टीप्लाई, माइनस वन दोनों साइड से सॉरी हाँ माइनस वन दोनों तरफ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। जब वैल्यू आ जाएगा तो ये मेरा लिमिट हो जाएगा, और क्या अपर और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा एफ ऑफ वन का 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये माइनस वन दोनों तरफ चला जाएगा ना, ये इधर चला जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये क्या 3 और 2 हो जाएगा, कन्फ्यूजन ही होना है। कभी कभी बोलते समय आदमी मतलब कि लटपटा जाता है, तो इसलिए गलती हो जाता है, सॉरी उसके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर लंगराज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 + x - 4 का पावर 1/3 इन 1/2, 1 और 6, ये 1 और क्लोज इंटरवल 1 और 6 के बीच में, ठीक है।
ऑप्शन दिया हुआ है, कैन नॉट एग्जिस्ट, 8, 4, -3, ठीक है चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकाले तो क्या आया, ये एक्स माइनस फोर क्या हुआ डिनोमिनेटर पे है, मतलब कि डिनोमिनेटर एक्स इज इक्वल टू फोर पे नॉट डिफाइन है, और डिफरेंशियबल कोई भी रोल्स थ्योरम, लंगराजे मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम कुछ भी हो, उसमें दूसरा कंडीशन क्या था, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स शुड बी डिफरेंशिएबल बिटवीन द ओपन इंटरवल ए टू बी, मतलब कि 1 और 6 के बीच में सारे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन अगर 4 पे ये तो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड हो रहा है ना, 4 पे ये तो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड हो रहा, इसीलिए ये फंक्शन क्या होगा, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए कैन नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, जब एग्जिस्ट नहीं करते लोग लेट मीन देते हो अप्लाई नहीं करेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को ये क्वेश्चन खुद करना होगा, तो यूजिंग कॉची सिर्फ सिंपली ये फॉर्मूला पे फर्स्ट सेकंड था, इसमें फॉर्मूला इंसर्ट करना है, ये सब चीज़ आप लोग खुद कीजिए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं बताऊंगा, इसमें भी कुछ नहीं है। चलिए तो अगली वीडियो मिलते हैं, अगली वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज मतलब सॉरी टेलर सीरीज स्टार्ट करेंगे।